आज मैं आपको पुराने जमाने की एक ऐसी मशीन दिखाने वाला हूँ जो ना तो बिजली से चलती है और ना ही करंट से, बस चलती है तो केवल बेल से। ऊपर की ओर बाबूजी इस मशीन को चला रहे हैं। राम राम बाबूजी, क्या नाम है आपका? सैन सिंह। इसे क्या कहा जाता है? जो रेंट कहा जाता है, रेंट। रेंट? हाँ, ये बेल से पानी निकालते हैं। इसमें बेल कहाँ लगता है? यहाँ पे लगता है, आगे से खींचता है। आरा आरा बोलते हैं उसको। आरा? हाँ, ये आरा, इसको टच होता है तो पानी निकल जाता है। इस कुएं में ये मग्गे पानी भर के बाहर आते हैं? हाँ, वो खाली उधर जाता है। हाँ। इधर भर के आता है। और इनको क्या कहा जाता है? ये पहियों? ये पगी, पगी बोलते हैं पगी उसको। अच्छा बाबूजी, कितनी जमीन होगी आपके पास? मेरे पास 6 बीघा है। ये दूसरी 6-6 बीघा हमारे भाइयों की थी। हाँ। वो लोग ने उदयपुर, वो कोई पार्टी आई उसको बेच दी। हाँ। मैंने नहीं बेची। हाँ, मैं बोला मैं नहीं दूंगा, मेरा पड़ा रहे। तो अभी आप करते हैं उसमें खेती बाड़ी? खेती करते। तो बाबूजी, खेती करना अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी पहुंचाता नहीं, एक मंगवारी बढ़ गई है ना, इसलिए। हाँ। नौकरी करते हैं और ये भाग में दे दिया है। अच्छा बाबूजी, इससे अगर पिलाई की जाए सिंचाई खेत की, तो 1 बीघे का खेत कितनी देर लगती है पीने में? 1 बीघे का खेत पूरा दिन लगता है। बेल भी दिन भर घूमता रहता है? नहीं, थोड़ी देर, 2 घंटा उसको छुट्टी देते हैं। बेल को? बेल को। तो जैसे इस कुएं के अंदर मोटर क्यों नहीं लगा रखी अभी? इधर लाइट की व्यवस्था नहीं है ना। अच्छा, लाइट की व्यवस्था नहीं है। हाँ। बाकी पानी खूब है इसको? पानी खूब है। आपको क्या लगता है, पुराने जमाने का ये बढ़िया था कि आज का बढ़िया है? ये तो ना खर्चे से होता है, उसमें तो खर्चा आता है। इसमें तो मेहनत भी लगती है? मेहनत लगती है, लेकिन खर्चा नहीं आता है। ये आप गांव के लोग ही बना लेते हैं कि बाहर से? बाहर से बनाया हुआ ला, लेकिन ये गांव का कारीगर लाके इसको खड़ा करता है। ये सेटिंग वगैरह वो गांव के? वो तैयार आता है। ये 5 टुकड़े में आता है। हाँ, 5 टुकड़ा छोटा छोटा छोटा, इसको यहाँ के वो कारीगर फिट करता है। लकड़ी का तो आप ही बना लेते? ये हम भी बना लेते। हाँ। एक टुकड़ा ये टुकड़ा सब अलग ही आता है। हाँ, ये लकड़ी के फिटिंग किया है। हाँ। फिर इसको सेटिंग करके कारीगर रेडी रखता है। अच्छा, यहाँ पे इसको ऑयल वगैरह भी देना पड़ता है? यहाँ ऑयल लगाना, यहाँ ऑयल लगाना पड़ता है, यहाँ पे लगाना पड़ता है, ऑयल लगाते। वो पहिया लकड़ी के ऊपर घूमता है? हाँ, लकड़ी के ऊपर घूमता है। ऊपर घूमता? हाँ, लकड़ी थोड़ा पतली रखता है नीचे, उसके ऊपर घूमता है वो। फिर ये पहिया यहाँ से अंदर 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 तो जाता है, यहाँ पे लकड़ी पे रहता है। हाँ। जैसे ये घूमता है? हाँ जी। तो ये खाली मग्गे नीचे की ओर कुएं में जाते हैं? ये खाली कुएं में जाते हैं। हाँ। भरे हुए उधर आते हैं। अभी ये नीचे पानी के टच नहीं हो रहा, मतलब ये छोटा क्यों कर रखा है इसको? इसको पानी में खराब हो जाता है ना, अभी उपयोग नहीं करते, इसलिए। हाँ। थोड़ा आदर कर दिया है। अब इसको बड़ा करना हो तो वो कैसे होता है? इसको इधर लगाना पड़ता है, इसको और माल लगाना पड़ता है, वो तो नीचे हो जाता है, कड़िया फंसा देते। हाँ। तो अब तो पानी में डूब जाता है। ये काहे का बना हुआ है? लोखंड का है। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं गोगुंदा से कुछ ही दूरी पर, मायरा की गुफा से 1/2 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ पर ये रहट लगाया हुआ है, हमें दिखा तो सोचा आपको भी बता दे। बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।